हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे अपने अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा घर, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा मेरा बेड, तो मैं अभी इसको संभालने के लिए चलती हूँ। तो प्लीज़ है ना, मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो कोई भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन के साथ। तो अब मैं इधर संभाल लेती हूँ अपना बेड। तो आज फ्रेंड्स ना बहुत ज़्यादा सफाई होगी, तो बेड ही नहीं साथ में करूँगी गोदरेज, फ्रिज, मिरर, गेट यानी कि डोर, आज इन सब की सफाई करनी है मुझे, सब की क्लीनिंग करनी है। तो प्लीज़ है ना, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप पूरा वीडियो पूरा ब्लॉग देख सकें। तो सबसे पहले मैं ये बेड का चद्दर सही कर लेती हूँ, बेड सीट सही कर लेती हूँ और इस पे कपड़े सही कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है सारे कपड़े ना बेड पर ही रहते हैं। और ये जो पैरदान वगैरह, इनको एक बार उठा के मैं बाहर रख देती हूँ झड़का के, इनके अंदर थोड़ी धूल मिट्टी हो गई है तो इनको झड़का देती हूँ। और ये बेड पर ना कुछ, सॉरी, ये गद्दा है नीचे जहाँ पर ये कपड़े रखे हुए हैं, मैं घरी कर रही हूँ, तो ये मेरी साड़ी वगैरह है तो मैं इसको एक बार घरी कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को अपना ये पूरे रूम की क्लीनिंग करनी होगी, पूरे रूम की सफाई करूँगी, साथ में फ्रिज, गोदरेज, मिरर और डोर की भी सफाई करूँगी। तो प्लीज़ है ना, वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा विद बेल आइकन के साथ। पहले ये बेड का जो, ये गद्दे का जो भी सामान है मैं एक बार बेड पे रख देती हूँ। तो गद्दे पे ना बैग रखा था स्कूल का, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं अभी एग्ज़ाम, और मैंने ये बैग उठाकर ये बेड पर रख दिया है और इसको मैं अभी झटका लेती हूँ, ताकि इसके अंदर जो भी धूल मिट्टी हो वो सारी ज़मीन में रह जाए और मैं झाड़ू लगाऊँ तो ये सारा कचरा बाहर चला जाए। तो ये सारा मैंने, ये बेड भी सही कर लिया, बेडशीट भी सही कर लिया, इस पर थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी सही कर लिए, कुछ रह गए तो कुछ थोड़े से बाद में करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि आपसे पहले मैं ये वीडियो शेयर कर दूँ, तो इसलिए मैं ये पहले रूम के अंदर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कचरा हुआ है, इधर धूल मिट्टी है, पैदान में से निकली है, कुछ गद्दों में से निकली है। तो ये मतलब कि पूजा वाला स्थान है जहाँ पर कॉर्नर में, जहाँ पर मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, अभी पर्दा लगा हुआ कॉर्नर में, इसको साफ़ कर लेती हूँ उधर से। तो वहाँ से मैं झाड़ू निकाल के ले आई, साफ़ करके कचरा मतलब कि निकालती हुई आ गई हूँ मैं, और अब मैं ले जाऊँगी इसको बाहर। तो आज आप देखिएगा पूरी क्लीनिंग, मिरर, गोदरेज, फ्रिज, डोर, रूम, फ्लोर, विंडोज, सारी आपको मिलेंगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज मैंने अपना कर लिया है, फ्रिज भी साफ़ कर लिया है, मिरर भी साफ़ कर लिया, पीछे देख लीजिए, और ये पूरा रूम साफ़ कर लिया है, गोदरेज, फ्रिज सब कुछ साफ़ किया है मैंने। ये थोड़ा बहुत कुछ रह गए थे कपड़े, तो ये बैग पहले तो मैं उठा के इस गद्दे के ऊपर लगा देती हूँ, और थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको भी मैं बैठ के सेट कर लूँगी, और इधर भी जो फैन चल रहा है मैं उसको भी बंद कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरी गोदरेज हो गई है साफ़, फ्रिज भी कर लिया है मैंने साफ़, तो सब कुछ क्लीन हो गया है। बस थोड़े से कपड़े हैं जो बेड पे लगे हुए हैं उनको भी सही कर लूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय।